फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए जगह जगह ये मॉस रोज निकल रहे हैं, तो आज इसी का काम करना है। और देखिए सारे छोटे छोटे बोतल में ये सब मैं लगाई हूँ वेस्ट में। नीचे भी 25-30 प्लांट लगाए हैं। लौकी देखिए कितना अच्छा ग्रोथ हो गया जैसे बारिश हुआ। इधर जितना भी पौधे को मैं ट्रांसप्लांट की हूँ, ये पॉट नीचे से टूट गया है इसलिए इसका पानी इसमें निकल जाता है, तो मैं रोज़ के रोज़ हटा लेती हूँ। इधर देखिए सेम, और इधर देखिए जितना भी पौधा मैं कल ट्रांसप्लांट की थी सब देखिए कितना अच्छा चल गया है। और भी करना है आज, यहाँ से पॉट हटाई हूँ क्योंकि इसको ट्रांसप्लांट करना है। ऐसे काफ़ी अच्छा ये बहुत अच्छा सेट कर गया है, लेकिन इस पॉट का मुझे ज़रूरत है तो इसको थोड़ा सा और बड़ा पॉट दूंगी। और क्योंकि एक पॉट टूट गया है तो उसके जगह ही इसको मुझे खाली करना है। देखिए सब कितना अच्छा कॉक्सकॉम का प्लांट सब सेट हो गया है, जब खिलेगा ना तो बहुत प्यारा लगेगा। कल देखिए सारे पम्पकिन को इस टब में मैं कर दी, क्योंकि कहाँ लगाते हैं आखिर, और कितना बोरे बोरे रखूँगी देखिए सब में। देखिए गिर भी गया। इधर देखिए सब बहुत अच्छा सेट है और कितना ग्रीन लग रहा है ये मैं आप लोगों को दिखाने आज लाई हूँ। बहुत बारिश हुआ है। इधर देखिए सब आज ये दोनों घिया के प्लांट को भी उधर साइड में ही कर देना है, सारे बेल वाला सब्जियाँ उधर ही रहेगा और इधर लाइन से सारे फ्लावर रहेंगे और इधर जो भी सब्जियाँ बेल वाले में ही हैं वही रहेंगे, जैसे भिंडी ये सब। देखिए सब बहुत अच्छा लग रहा है और हरा भरा लगा तो मैं सोची कि आप लोग से शेयर कर दूँ। देखिए पिटूनिया सब कल ही लगाई थी और आज देखिए एकदम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए हैं, बिल्कुल भी इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है ट्रांसप्लांट का। एक मिर्च का प्लांट लगाई थी और इन सब में मैं कुछ कुछ लगाई हूँ। देखिए बैंगन में कितना फ्लावरिंग हुआ है आज, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कोई मैं फर्टिलाइज़र कुछ नहीं डाल रहे हैं। इधर भिंडी ये सब में का जो हटाई थी और आज ये जितना भी नीचे मेरा प्लांट है, मैं एक मेरे घर आती हैं मैं उनके साथ उठाऊंगी। कल बहुत ज़्यादा मेहनत करने से मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया है तो हम लोग दोनों मिल के लेकर आएंगे नीचे से। देखिए बहुत अच्छा से टिकोमा भी चल रहा है, देखिए पूरा कलियों से भर गया है, सबको भी साइड करूंगी मैं। बहुत ये सब मुश्किल काम है फ्रेंड्स, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन देखिए ये चंपा भी मेरा पूरा हरा भरा हो गया है और अभी छोटा पॉट में हो गया तो मैं कहीं से भी कहीं उठा के इसको घुमा दूंगी। देखिए बड़ा पॉट से इस पॉट से हटा के इसमें लगाई हूँ और इसमें मैं पारिजात को लगाऊंगी। ऐसे कोशिश करूंगी कि उसका भी वीडियो शेयर करूं आप लोग से। देखिए अभी सुबह आई ना तो देखने लायक नज़ारा था, बहुत खूबसूरत। अभी जगह जगह जो पिटोनिया है सबको हटाऊँगी क्योंकि और प्लांट को ग्रोथ। ये देखिए हिबिस्कस में कितना प्लांट निकला हुआ है, तो बहुत सारे बॉटल ये सब खाली किए हूँ तो उसको मैं कट करूँगी लगाऊँगी। फिर अभी देखिए इसका फ्लावरिंग पर मैं फोकस नहीं कर रहे हूँ, देखिए ये सब स्प्रे करना है तो सब ठीक हो जाएंगे। ये इस हिबिस्कस में थोड़ा सा लग जाता है, फंगस अटैक हो जाता है। इसमें भी कई सदाबहार निकला हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। अभी थोड़ा बहुत आप लोग को मैं सारा अपना आज गार्डन घुमाऊँगी, इसको ओवरव्यू ही समझिए। देखिए इधर जो मैं इधर उधर जो चेंज की हूँ सब कितना ब्लूमिंग कर रहे हैं। और ये देखिए ये सब मेरा टूटा हुआ है, देखिए मैं दिखा देती हूँ सब, और सब में खिल रहे हैं। देखिए एक पॉट इधर टूटा हुआ था उसी के जगह पर मुझे उसको खाली करना है। और देखिए वो लगाई थी स्टिक तो ये नहीं हुआ, ये मधुमालती का स्टिक है तो ये लग के फिर ख़राब हो गया इधर उधर करने से। देखिए यहाँ भी कुछ है, जगह जगह लगा रहे हैं। और ये जो मोगरा ट्रांसप्लांट का शॉर्ट डाली थी देखिए बहुत अच्छा सेट हो गया है। इधर देखिए ये जो सन पापड़ी ये सब आते हैं, एक खजूर आया था, सब में होल बना के मैं रखे हैं। और जो टूटा पॉट दिखाई थी जिसमें थाली रखी थी उसके नीचे इसको रखना है। और देखिए ये सब जितने भी वेस्ट घर में आते हैं, रसगुल्ले ये सब मैं सब रख देते हैं, इसी में इस मॉस रोज को लगाऊंगी। इधर देखिए सब फोर ओ क्लॉक एक में कई कई निकले हैं। और ये जो मैं शॉर्ट डाली थी सदा सफ़ेद सदाबहार का, आप लोग देख सकते हैं दो दिन हुआ लेकिन पूरा अच्छा से सेट हो गया है। देखिए इस कहीं भी डोरमेंसी में नहीं गया है। इधर बहुत सारा देखिए इसमें भी कॉक्सकॉम निकल रहा है, इसमें चांदनी का कटिंग ग्रो हुआ है, इसमें भी चार पांच प्लांट है। मतलब अगर अलग करूं तो मैं तो पूरा एक बहुत बिग गार्डन बनेगा मेरा। देखिए कृष्ण कमल का बेल को अब मैं धूप में की हूँ क्योंकि इसमें फ्लावरिंग अभी तक नहीं हुआ। इसी साल मैं इतना छोटा प्लांट लाई थी उसका वीडियो है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए इसमें भी कॉक्सकॉम है, तो धीरे धीरे सब बॉटल में करते जाऊंगी और पूरा बड़ा गार्डन हो जाएगा। अभी इनका बाहर है तो मैं बाहर बनाऊंगी। देखिए उधर वेस्ट रखी हूँ जो सफाई की हूँ सब फेंकने के लिए।
देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। अभी मैं बैठ के लगाऊंगी तो सोची कि बहुत सुंदर लग रहा है, एक बार आप लोगों को दिखा दूँ पूरा गार्डन। इधर देखिए, इधर भी बहुत सुंदर सुंदर है, इधर भी जगह जगह पिटूनिया निकला हुआ है देखिए मोरपंखी। और एक कड़ी पत्ता आज मैं पूरा दिखाऊंगी। देखिए सब एक पेंट के डब्बे में ही लगाई हूँ, आप लोगों को दिखाया। देखिए सब पेंट के डब्बे हैं, तो इसलिए मैं बोलते हूँ कि गमला से भी मजबूत होते हैं पेंट के डब्बे। ये देखिए सुदर्शन, ये देखिए अपराजिता, मैं सुबह तोड़ चुके हैं फूल इसका। ये एक जोड़ा, ये पिंक एक जोड़ा है। इधर में देखिए दो अपराजिता इसमें भी निकला है, और इसको भी हटाऊंगी। ये अडेनियम का जो मैं चोटी बनाई थी तो लुढ़क रहा था, तो इस तरह मैं झाड़ू का स्टिक लगाई हूँ। सोचती हूँ कि एक अच्छा स्टिक लगा दूँ मधुमालती का, इसलिए लेकर आई हूँ। ये देखिए मोगरा बहुत अच्छा सेट हो गया है। और ये चार प्लांट मैं उतार के लाई थी, ये सेट नहीं हुआ था, तो अब इसको ले जाऊँगी टेरिस पे, जो खाली जगह दिखाई थी वहीं रखूँगी। ये रजनीगंधा का सारा बल्ब गल गया था, यही एक बचा है, तो देखते हैं कि फ्लावरिंग होता है कि नहीं। इसमें भी कॉक्स कम है। और ये देखिए सारे में ये रोज़ प्लांट को कटिंग की थी, और इसका कटिंग भी अभी दिखाऊंगी आप लोग को। देखिए देखिए इतना प्लांट को मैं कटिंग की थी। अब चलिए बालकनी में दिखाती हूँ आप लोग को। इधर देखिए मेरा बिग मनी प्लांट है, इसी से सारे कटिंग लगाते हैं। देखिए ऐसे ज़्यादा मैं नहीं लगाते हैं, कितना अच्छा, कितना हेल्दी ग्रोथ है, और काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैं सोचती हूँ कि इसके लिए एक बड़ा सुंदर सा क्ले पॉट लाऊं और इसमें लगाऊं। देखिए एलोवेरा छोटा छोटा जो निकला था, ये वेंडरिंग जो टूट के गिर जाते हैं कहीं कहीं लगा देते हैं। देखिए सब आप लोगों के सामने लगाई थी। ये तुलसी थोड़ा धूप कम आने के चलते थोड़ा सा कम हो गई है, और मैं ना तोड़ तोड़ के भोग लगाते रहते हैं तो थोड़ा कम हो जाते हैं। और देखिए बहुत सारा निकल भी रहे हैं। इधर इसमें चार अपराजिता है, वाइट हो या ब्लू हो जो भी हो। इधर देखिए ये फोरविया मिली में कितना ये सब ग्रास हुआ है, सब हटाऊंगी आज। इसको मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बड़ा पॉट दे दूँ, इसलिए नहीं हटा रहे हैं, ट्रांसप्लांट करना है। इधर भी देखिए अपराजिता तीन निकला हुआ है। इधर भी देखिए कॉक्सकम, ये मेरा केला का प्लांट है जो कि ख़राब हो गया है, वो भी मेरे गलती से। मैं गुड़ और चने दाल डाल के इसमें डाल देती हूँ, बस चींटी लग जाती है, तो नहीं डालना चाहिए, लेकिन पूजा करते हैं तो थोड़ा सा डाल देते हैं। ये देखिए जेड प्लांट का बहुत सारा कटिंग करना है, और बहुत अच्छा लग रहा है, इसको भी ट्रांसप्लांट करना है। करूँगी तो आप लोग से दिखाऊँगी, इसका वीडियो भी डालूँगी। ये देखिए कुछ प्लांट को मैं ऐसे ही रखे हूँ। देखिए ये ब्रह्म कमल है, तो इसमें कैसे ब्रांच आ रहा है, इसी एक पत्ता से मैं लगाई थी। देखिए इस साफ सफाई में इसका पत्ता निकल गया है, इतना ही पत्ता से इतना ही बड़ा प्लांट एक साल में हुआ है। ये देखिए एक लोनिमा, अभी इसका नाम याद नहीं आ रहा है, ये बहुत अच्छा प्लांट है। देखिए यहाँ से डिवाइड होते रहता है, और यहीं से कटिंग काट काट के लगाते हैं। इसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। और देखिए आप लोगों के सामने जो छोटा छोटा कटिंग लगाई थी कैसे ग्रो हो गया है। देखिए सिंगोनियम, और ये ऊपर एक पॉट में निकला हुआ था, तो मैं समझी कि ये मार्बल मनी प्लांट है, लेकिन ये मैं सर्च कर रही हूँ तो गिलोई आ रहा है, तो देखती हूँ कौन सा। इधर देखिए मेरा कड़ी पत्ता, ये बड़ा प्लांट को इधर लाई थी, ट्रांसप्लांट की थी, तब से इधर ही है। इधर से ही मैं तोड़ तोड़ के ढोकलाएँ सब बनाती हूँ, चाहे कढ़ी तो उसमें डालती हूँ। इधर देखिए स्नेक प्लांट, सबको मैं सोचती हूँ ना कि थोड़ा सा बड़ा बड़ा पॉट ला के लगा दूँ, तब स्टडी टेबल पर या डाइनिंग रूम में कहीं भी रखूँगी। देखिए ये वेंडरिंग जू किस तरह है, इसका पॉट हो गया है। कोई प्लांट लगाएं चाहे नहीं, फ्री में एक भी कटिंग, और यहीं से साफ सफाई में टूटता है, तो फिर मैं यहीं से बहुत सारे प्लांट लगाते जाते हैं। देखिए ये ड्रेसिना, यही एक प्लांट लगाई थी पिछले साल, और उसी से कटिंग ग्रो होते होते ये इतना बड़ा हो गया है। सब धूप से आंगन में जल रहा था तो मैं लेकर आई थी। ये अरीका पान है, पूरा धूप से ख़राब हो गया था। देखिए इसी में से टूट टूट के जहाँ गिरता है वहीं वेंडरिंग जो निकल जाता है, तो काफ़ी अच्छा हो गया है। देखिए और इसी का ये भी है, देखिए ये सब ना छोटे छोटे डब्बे में लगाए हैं रखा हुआ है। ये देखिए इसी का भी कटिंग है, और ये जो ट्रेफा के खलीफा कोई प्लांट इसका नाम है, मुझे मालूम नहीं है। ये मैं कटिंग लगाई थी फरवरी में,
5 लगाए थे तो 4 कटिंग ग्रो हो गया है। इस सब का वीडियो पब्लिश है मेरे चैनल पर, आप लोग जाके देख सकते हैं। और देखिए कलेंचों में बिना कुछ डाले नया ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। इधर सिंगोनियम है, देखिए एक छोटा सा है कटिंग से, इतना छोटा कटिंग से लगाई थी और इतना प्लांट बन गया है। आप चाहें तो जितना भी लगा लें, देखिए मैंने पहले ही लगाई थी, कितना अच्छा ग्रोथ हो गया है। सब वीडियो शेयर की थी आप लोग से। ये पुदीना है, इसमें एक रोज का कटिंग लगाई थी तो देखिए ये भी चल पड़ा है। ये देखिए छोटा छोटा, देखिए इसका मिट्टी यहीं गिरता है। आप लोग से दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ कि इस तरह के टेबल पर रखने से क्या फ़ायदा होता है। ये मैं अभी साफ़ कर दूँगी, जा रही थी साफ़ करने तो फिर मैं सोची कि कभी ऐसे भी दिखाऊँ। देखिए इसमें कितना कॉक्स कम निकला है। ये मेरा लक्की बैम्बो है तो इसको भी मैं बड़ा पॉट दूँगी। देखिए सब पॉट उसी के लिए रखे हैं। आंवला ख़राब हो गया है और केला ख़राब हो गया है और ये लक्की बैम्बो को लगाऊंगी। सब वीडियो शेयर करूँगी ना। इधर सब मैं अपना बेस्ट रखे हैं, सब बॉटल हैं, फुटबॉल है, सब जितना भी है घर के सब मैं रखे हैं। देखिए तो सब शेयर करूँगी। कूलर स्टैंड पर रखे हैं ताकि नीचे से साफ़ सफाई अच्छे से होते रहे। ये देखिए क्लेडियम है, ये खुद से निकलता है बल्ब, खुद से अपने से गल जाता है फिर निकल जाता है। देखिए ये मैं फरवरी में या नवंबर दिसंबर में इसने एक प्लांट लगाई थी, एक जगह गई थी तो वहाँ से लाई थी, अब जाके इसमें ग्रोथ आया है। देखिए सब को लिए एक ही बार मैं ये देखिए ए कटिंग और ये कटिंग ये सब मैं लगाई थी और ये देखिए 5-6 दिन पहले लगाए हैं, ये लग गया है। एक पेंसिल कैक्टस है, यही एक छोटा सा कटिंग पिछले साल मैं लगाई थी तो एक छोटा सा डब्बा में था, अब मैं इसमें कर दी हूँ और सब तो मैं दिखाते ही रहते हूँ। देखिए यहाँ भी एक सिंगोनियम और देखिए फीस बैकबोन है। देखिए जगह जगह इसका छोटा छोटा मैं कटिंग कर दी हूँ ताकि ज़्यादा प्लांट हो जाए। ये सब छोटे छोटे पॉट मेरा बहुत पुराना है, जब मैं गार्डनिंग का शुरुआत की थी तब है। ये देखिए स्नेक प्लांट सबको बड़ा में लगाऊंगी और एक कलेंचो देखिए बिना कुछ डाले सब कितना अच्छा ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। और देखिए ये इसका नाम मैं भूल जाती हूँ, ये बिना लगाए कटिंग ये ग्रो हो गया है, लेकिन इसका ना बहुत महंगा महंगा प्लांट आता है। मैं देखती हूँ वीडियो, अभी इसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, जब आएगा तो ज़रूर बताऊँगी, कभी कभी सामने याद रहता है भूल जाते हैं। देखिए ये सब, ये देखिए पत्थर चट्टा को तो क्या कहूँ, इसके पत्तियों का रोज़ मैं यूज करती हूँ और फिर भी देखिए, और देखिए कैसे निकलता है। देखिए इसका पत्तियाँ टूटता है और इसी में गिरता है। देखिए उधर स्नेक प्लांट गिर के खुद से ग्रो हो रहा है। तो अब इसको इतना मैं मतलब अगर मैं अलग अलग करूँ तो ये बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे, लेकिन इसका बहुत मेडिसिनल वैल्यू है इसलिए मैं एक ही टब में की हूँ। और देखिए सब मैं यूज करती हूँ तो इसको अलग लगाने का भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको मैं घर में यूज करती हूँ बहुत सारे। देखिए पूरा इतना बड़ा हो गया है कि बाउंड्री पर आजकल मैं प्लांट नहीं रख रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत आंधी तूफान आ रहा है तो मैं उतार लेती हूँ। देखिए ऊपर जो सदाबहार जो छोटे छोटे डब्बे में इधर उधर निकलते हैं, देखिए सब इसमें मैं लगाई हूँ। देखिए इधर भी पिटूनिया निकला है। ये देखिए वेंटरिंग जो झाड़ू लगाते हैं तो जो गिरता है वो सब इस सब में डाल देते हैं, ये सब प्लांट रेडी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है 2000 प्लांट मेरे ख़राब ही हुए हैं, जैसे स्पाइडर प्लांट देखिए इसमें मॉर्निंग ग्लोरी ग्रो हो गई है तो इसको टेरेस पे ले जाऊंगी। ये सब मैं नहीं ले जा रही थी कि मैं कलर करके तब ले जाऊंगी, लेकिन अभी कलर करने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है, बाद में मैं कलर करूंगी। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया और चलिए मैं दिखाते हैं कौन प्लांट मेरा ख़राब हो गया है। अभी इसका कटिंग ही लगाने जा रही थी तो मैं सोची कि एक वीडियो बना लूँ। देखिए ये डेविल्स बैकबोन मेरे बहुत सारे थे ख़राब हो गए हैं तो सबको मैं कट करके लगा लूँगी। ये ना बहुत खूबसूरत लगता है तो इस बार मैं सोच रही हूँ इसको एक पॉट में लगाऊंगी। और देखिए क्रीपर चार्ली है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए इसको भी कहीं कहीं लगा दूँगी, कभी कभी क्या होता है स्पाइडर प्लांट मेरा बहुत अच्छा हो गया था लेकिन ख़राब हो गया। देखिए इसमें स्पाइडर प्लांट था, एक हैंगिंग प्लांटर में था जिसमें गिलोई लगाई हूँ उसमें, फिर इसमें लगाई ख़राब हो गया, क्रीपर चार्ली ख़राब हो गया। और ये देखिए ये भी एकदम इतना छोटा सा लाई थी मायके से और देखिए कितना बड़ा हो गया। इसका भी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है, इसका नाम मैं बार बार भूल जाती हूँ। ये
जैसे फीवर हो गया तो बच्चे भी इसका एक पत्ता खा सकते हैं, पेट में दर्द हो तो एक पत्ता इसका खा सकते हैं। बहुत सारे हैं। तो देखिए, सारे रोज को कटिंग करके रखी थी और एक कली था फ्रेंड्स, और पानी में डालने के बाद, वाटर में आने के बाद ये पूरे फूल खिल गए हैं। तो आज तोड़ूंगी, आज बृहस्पतिवार है। तो यही सब थोड़ा सा अपडेट है। बहुत सारे प्लांट लगाए हूँ, एक साथ नहीं दिखा पाती हूँ फ्रेंड्स। अगर मैं छत पर ले जाऊँ तो एक बहुत बड़ा गार्डन मेरा होगा। देखिए इधर 30-40 प्लांट मेरा क्लाइंचो का, सब एक ही में डाल दी थी, तो कुछ ख़राब हो रहा है, कुछ में नई ग्रोथ हो रही है। कितना अकेले लगाऊंगी, क्या करूंगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।